हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इन दैट आई हैव थ्री केस, हम तीन केस को कंसिडर करेंगे। केस नंबर वन में हमारे पास है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एन नंबर ऑफ काइरल सेंटर। सो वी हैव अ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो जाता है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर आपने उसको वर्टिकली कट किया तो राइट लेफ्ट सेम हो गया, और हॉरिजॉन्टली कट किया अप एंड डाउन सेम हो गया। इट मीन्स देर इज अ इक्वल पार्टीशन और द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम बोथ द साइड इफ इट इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ यू कंसिडर एन एग्जाम्पल वट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अगर हमने कंसिडर कर लिया ये कंपाउंड है हमारे पास टार्टरिक एसिड। क्या ये टार्टरिक एसिड, अगर आपने इसको बीच में से कट किया तो ये ऊपर और नीचे क्या हो गया, सेम हो गया। इट मीन्स देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला, देर इज अ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज देर। सो वी हैव टू गेट द ऑप्टिकल आइसोमर we have to get a enantiomer pair, we have to get a racemic mixture and then meso compound. तो ऑप्टिकल आइसोमर ये वाले केस में क्या हो जाएगा, 2^n हो जाएगा, where n is the nothing but a number of chiral center. And after that the enantiomeric pair will be, if I consider the optical isomer to be A, so enantiomeric pair will be A by 2, racemic mixture will be also A by 2 and the meso compound जो होता है वो हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आ रही है। जब आपके पास plane of symmetry molecule के अंदर नहीं है, in that case the formula which we are going to use optical isomer का 2 का power n, where n is nothing but a number of chiral center, and if we consider optical isomer to be A, that value तो उसका हाफ ऑफ करते चले जाओगे तो आपको enantiomeric pair, racemic mixture मिल जाएगा एंड द meso compound इन सच केसेस आर 0। बात समझ में आ रही है। अब केस नंबर जो 2 लेंगे वहां पे हम लोग लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर एंड एन नंबर ऑफ काइरल सेंटर, एन की जगह पे मैं लेता हूं यहां पे इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर, even number of chiral center। तो ये केस में जो ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर एंड देन वी हैव एनेंटियोमेरिक पेयर, उसके बाद आपके पास आता है रेसमिक मिक्सचर एंड देन मीजो कंपाउंड एंड लास्ट में आएगा टोटल कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर क्या हो जाएंगे। अगर हमने ऑप्टिकल आइसोमर को ए कंसिडर किया है और मीजो कंपाउंड को एम कंसिडर किया है तो ए प्लस एम हो जाएगा, ए प्लस एम विल बी द टोटल। ना हमने बात करनी है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ इवन, तो इवन वाले केस में क्या हो जाता है, फॉर्मूला 2^(n-1)। बस मेरी 2^(n-1) will be the optical isomer, and अगर ये value A आ रही है तो enantiomeric pair क्या हो जाएगा आपका A by 2 and this is also A by 2 and your meso compound जो होगा वो 2^(n-2)-1 होगा। बस में ये optical isomer का formula होता है 2^(n-1), enantiomeric pair A by 2, your racemic mixture is also A by 2 and the meso compound जो होता है वो 2^(n-2)-1 हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं यहां नहीं करूंगा। सी इफ वी हैव pH, CH, OH, CH, OH, CH, OH, देन CH Here the chiral center
काइरल सेंटर जो हमको मिल रहा है वो चार है, ये काइरल है, दिस इज ऑल्सो काइरल, दिस इज ऑल्सो काइरल, तो ये चारों जो है आपको काइरल सेंटर दे रहे हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलिए, काइरल बोलिए, फिर असिमेट्रिक बोलिए। तो अभी यहाँ पे हमको समझना क्या है, वी हैव वी वांट टू फाइंड आउट दिस ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे आपके, एनेंशियोमेरिक पेयर कितना बनेगा, रेसिपी मिक्सचर एंड द मेसो कंपाउंड। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला है 2^(n-1) है, जहां पे n की वैल्यू आपको पुट अप करनी है। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, 4-1 3, 2^(3) कितना हो गया 8। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। नाउ एनेंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा यहां पे, 8/2 दैट इज 4। रेसिमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा, 8/2 दैट इज 4। मेसो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो 2^(n-2) है, तो आपने क्या पुट अप करना है, n की जगह पे 4 पुट अप करना है, बस मैंने ही नहीं। तो जब आपने 4 पुट अप किया तो ये क्या हो जाएगा, 2^(4/2-1), ये 2-1 दैट इज 1, तो ये 2 आएगा। तो टोटल कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर जो आपको मिलेंगे वो कितने जाएंगे, 8+2 दैट इज 10। इजी है। तो ये एक एग्जांपल था जहां पे मेरे पास इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर था। अब मैं केस नंबर 3 की बात करूंगा जहां पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर होगा और वहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ऑड नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, एंड ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर, सो वी हैव टू गेट ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, फिर आपका एनेंशियोमेरिक पेयर क्या होगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, देन मेसो कंपाउंड क्या होगा, लास्ट में टोटल आइसोमर क्या होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो विल हैव 2^(n-1) - 2^(n-1)/2। तो ऑप्टिकल आइसोमर का जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2^(n-1) - 2^(n-1)/2। एनेंशियोमेरिक पेयर का भी यही फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, ये अगर वैल्यू a आएगी तो ये a/2 हो जाएगा, रेसिपी मिक्सचर इज ऑल्सो a/2, मेसो कंपाउंड जो होता है वो 2^(n-1)/2। हाँ मेरी, तो ये आपका फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, रेसिमिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड एंड टोटल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, इवन दिया था, इसको ऑड करना है, तो ऑड करने के लिए मैं एक कार्बन इसमें बढ़ा देता हूँ, सी सी एच ओ एच पी एच। अब ये भी कार्यल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, सो वी आर गेटिंग हाउ मेनी, 5। सो वी हैव टू गेट द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस, द मोमेंट वी गेट n का वैल्यू 5, n इज हियर 5, तो ये फॉर्मूले में पुट अप करना है जो ऊपर हमने लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2^(5-1) - 2^(5-1)/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपको, ये 2^2 कितनी हो जाएगी, 4-2^2, बस मैंने कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 × 2 × 2 × 2, बस मैंने। और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, 4, 8 एंड देन 16 माइनस आपका ये हो गया 4, दैट इज कमिंग एज अ 12। तो 12 आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एनेंशियोमेरिक पेयर जो हो गया हाफ हो जाएगा, तो 12/2 6
रेसिनिक मिक्सचर भी वही हो जाएगा 12/2 36। मेजो कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दिया है 2^(n-1/2) एन की वैल्यू अपने पास 5 आ रही है तो ये कितना हो जाएगा दैट इज ये फैक्टर जो हमने निकाला अभी यहाँ पे ये वाला दैट इज 2^(2) जाएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेजो कंपाउंड आपको 4 मिलेंगे तो जो टोटल आइसोमर हमको मिल रहा था a+n दैट इज a+m a की वैल्यू जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर है और m जो है वो मेजो कंपाउंड है तो ये आ रहा था 12+4 दैट इज 16 कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आपको मिलेंगे ये वाले केस में तो वो डिपेंड करेगा आपके पास n का वैल्यू कितना आ रहा है सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे GI की ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो GI के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है वहां पे भी दो केस बनती है केस नंबर 1 वी हैव टू कंसीडर द एंड्स आर सिमेट्रिकल एंड केस नंबर 2 एंड्स आर अनसिमेट्रिकल नाउ फर्स्ट फॉर GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर when ends are same जब आपके पास ends same होंगे तो उसमें क्या formula बनता है और जब ends अलग होंगे in that case odd number आ रहा है या even number आ रहा है तो ये आपको मिला जुला के तीन केस बनते हैं so when the ends are same तो हमारे पास जो formula हो जाता है GI का it is nothing but a 2 का power n where n is nothing but a number of chiral center बात समझ आ रही कि नहीं When the ends are different, when the ends are different, तो आपके ends different है तो वो केस में हो जाता है 2^(n). अब बात करेंगे when the ends are case number two में हमारे पास आ रहा है when ends are same. अब same में हमको क्या मिलता है? Double bond जो है एक बार मिलेगा आपको even और एक बार मिलेगा double bond odd. अब even और odd को समझना है when the double bond will be even तो यहाँ पे जो GI का formula बनेगा वो हो जाएगा 2^(n-1)+2^(n-1) whole divided by this is for even तो ये हो जाएगा n/2-1 बस समझिए this is for the even number of GI जब odd number even number और double bond के लिए GI का formula ही हो जाएगा जब हमारे पास odd number और double bond होंगे तो GI का जो formula होगा geometrical isomerism का 2^(n-1)+2^(n-1)2 बात समझ आ रही है तो ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ GI इन केस ऑफ जब एंड्स हमारे पास सेम होगा तो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है डबल बॉन्ड का उससे हमको ये क्लियर हो जाएगा ठीक है थैंक यू